गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे गाइज आज के ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख रही है आपको मेरे पीछे गाय दिख रही होगी, मैंने इसको आज ही इसको परचेस किया है। जैसे छोटी गाय है, हमें ये सस्ते में मिल गई। जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीछे सभी गाय खा रही हैं, आपको ये गाय हमने ली है। अभी हम आपको इस गाय को दिखाते हैं। जैसे आप गाय देख सकते हैं, छोटी गाय है, इसको घोंची, इसकी सिंग देख सकते हैं, इसको घोंची कहते हैं यहाँ जैसे गाँव में हमारे। हमें सस्ते में मिल गई थी गाइस, इसलिए हमने ले लिया, सोचा क्यों हाथ से जाने दें। कि आपने गाय को देख लिया। और मुझे आपको एक बात बताना, जैसे आपको पता है मेरे भैंस का जो बच्चा है उसको आज कुत्तों ने मिलकर काट लिया था। मैं आज चलिए उसको इंजेक्शन लगवा चुके हैं, हम 5 इंजेक्शन लगेगा डॉक्टर साहब ने कहा है। अभी 1 इंजेक्शन लग चुका है, अब डेट टू डेट इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर साहब उसको लेने गए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे भैंस के बच्चे की हालत क्या है, चलिए आओ चलते। आप देख ही सकते हैं यही बच्चा है, इसको पैर में जानवरों ने बहुत काट लिया है। जैसे कि आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, वो क्या है कि बाल हैं इसके शरीर पे, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको 5 इंजेक्शन लगेंगे, डॉक्टर साहब ने उसका डेट भी दिया है, जैसे आज लगा फिर 2 दिन बाद एक लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हल्का फुल्का यहाँ पीला पीला दिख रहा होगा, दवा लगा है। इसकी कंडीशन तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसका क्या होता है, इंजेक्शन लगने के बाद पता चलेगा। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे सारे जानवर अब हमारे खा रहे हैं। मेरे ब्लॉग में बस वही था गाइस, मैं आपको अपनी गाय दिखाने वाला था जो मैंने परचेस किया। जैसे आप देख सकते हैं लाइन से, देखिए उसी की तरह एक और है, ये हमारी पुरानी गाय प्रेग्नेंट है, देखिए वही एक नंबर पे है। ये छोटी गाय है, बहुत सस्ते में हमें मिल गई है, और मिल्क भी इसका ठीक है। अगर इसको बाद में हमें सेल करना होगा दिक्कत नहीं होगी सेल करने में। आप इधर गाइस, मैं बस आपको अपनी गाय दिखाने वाला था, मैंने आपको गाय दिखा दी। अब अपने ब्लॉग को करते हैं ये पे एंड। अगर हमारे ब्लॉग पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ओके बाय।